कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है, कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णा का राहुल गांधी पर हमला। कहा सारी दुनिया की जाति पूछने की बात राहुल गांधी करते हैं और अनुराग ठाकुर ने राहुल की जाति पूछी तो नानी याद आ गई। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णा का बयान आया सामने सपा मुखिया द्वारा। अयोध्या को सबसे विकसित शहर बनाने पर बोले अखिलेश का कुछ और राय है, उनके होठों पर कुछ और है, अखिलेश के दिल में कुछ और है और दिमाग में कुछ और है। मुंह में राम बगल में छुरी। वहीं बिजनौर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी खिलाफ शब्दों का प्रयोग करने पर गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर की नारेबाजी। कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। सारी दुनिया की जाति पूछने की बात राहुल गांधी करते हैं, लेकिन कल अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछ ली तो नानी याद आ गई। अपनी जात तो बताएं। देखिए, वो जो कह रहे हैं उनके होंठों पे कुछ है, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, मुंह में राम बगल में छुरी। अयोध्या को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, अयोध्या को सदियों तक जो अयोध्या ने भगवान रामलला की प्रतीक्षा की, उनके भव्य मंदिर में रुकावट डालने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों रामद्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत मैं हूँ। कांग्रेस पार्टी के भीतर कितनी ही बार ये विषय उठे थे, मैंने ये बात उठाई थी कि भगवान राम सबके हैं और हम सब भगवान राम के हैं। राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी वो है जो राम के न्योते तक को स्वीकार नहीं कर सकती। वो किस मुंह से राम का नाम लेते हैं? अगर इनकी सरकार आ गई तो ये राम मंदिर के फैसले का रिव्यू करेंगे, इस राम मंदिर पे पहरे बैठा देंगे और फिर पुरानी अवस्था में रामलला को ले आएंगे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये फ्रॉड है, ये देश को धोखा देना चाहते हैं। इनका मकसद हिंदुत्व को मिटाना है, इनका मकसद सनातन को जातियों के नाम पर विभाजित करना है।